तुमको पता है हमारा न्यू ईयर बहुत चौचक जाने वाला है। अरे हमारी बहुत लल्लन टाप नौकरी लग गई है एज राइटर फेकटा का ऑफिस में। अच्छा सुनो अम्मा, अब हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे और तुम्हारी बहू हमारे खोपड़े पर चढ़ के नाचेगी नहीं। अम्मा बस तुम हमको कंटिन्यू आशीर्वाद दो, हमारा काम चलता रहे। ठीक है अम्मा रखते हैं। क्या तुम्हारे मोबाइल में सिम डलवा दें? अरे पागल अम्मा हो क्या, हम पे कही हो? फोन देखो हमारी मैडम का टाइम हो रहा है, रखो। पागल अम्मा हमारी। बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, बाबा हमको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें? कौन है तुम? जल्दी जल्दी में बाल नहीं बना है, दो चार अंगूठियां क्या पहन ली? बाबा समझ रहे हो? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं फेकता कपूर हूँ, फेकता कपूर। अरे समझे समझे समझे। मैडम मैडम सॉरी रहेगा, बहुत ब्लंडर हो गया। मैडम हमारा नाम सुनील सावरा है, हम आपके ऑफिस में नए राइटर हैं। ये देखिए आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, देखिए। वेरी गुड, बैठो। बोझी बैठने का ऑफर तो होगा नहीं, ये तो दूसरी टाइप की है। मैडम सोफा तो एक ही है। हाँ तो इतनी बड़ी जगह दिखाई नहीं दे रही, बैठो कहीं पर भी। मतलब जमीन पे बैठना है, औकात के हिसाब से। नीचे ज्यादा कम्फर्टेबल है मैडम। बको मैडम, तो स्टोरी जो है हमारी। एक मिनट, फोन बज रहा है, उधर है। जी 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 मैडम, जी मैडम मैडम। गंदे हाथों से अब। हेलो, हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या सास सैंडविच मांग रही है? कोमा बदल, चल उसको कोमा बदल। हाँ और बहू पैसे मांग रही है, एक्सीडेंट करवा अभी के अभी। और ये फालतू चीजों के लिए फोन मत करना, अपने हिसाब से कर दो। अच्छा मैडम, हम ये कह रहे थे कि आपका जो एक्टर है ना आम कपूर, उसको मार दीजिए। क्यों? उसके वजह से हमारे घर में बहुत कलह है। कैसे? असल में क्या है, हमारे घर में 21 इंच का टीवी है, तो उसमें वो पूरा आ नहीं पाता है, तो हमारी महराव कहती है 55 इंच का टीवी लाओ। अबे ऑफिस में आए एक दिन हुआ नहीं और तू फेकता कपूर को सजेशन दे रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, आप ही वो महान महिला है जिन्होंने दुनिया को बताया कि पति भले 25 किलो का हो, पत्नी के मांग में सिंदूर 55 किलो होना चाहिए। बेवकूफ, मेरे एक्टर लोग भी मेरे सामने मुंह खोलने से डरते हैं और तू 2% का राइटर होके मेरे सामने मुंह खोलता है। मैडम मैडम, हमने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपने मुंह फेर लिया? कड़ गई है सीधा कर। मैडम एक मिनट, मैंने बहुत प्रोड्यूसरों को मैंने सीधा किया है, अब ठीक है मैडम। थैंक यू, चल स्टोरी सुना। मैडम हम जो स्टोरी लेके आए हैं एकदम मस्त स्टोरी है। जब लिख के लाया था तो लैपटॉप क्यों लेकर आया? नहीं मैडम, एक्चुअली हम लिखते इसी पे हैं, इस पे तो हम अदरक कूटते हैं, तो नींबू मिर्ची अदरक मस्त चटनी बनती है। बकवास बंद कर, स्टोरी सुना। पहला सीन, फ्रेम में हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। बस इसके आगे की स्टोरी मुझे सुननी नहीं है, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी मेरे पास है। हेलीकॉप्टर आ रहा है। जी आया है। एक अमरूद का पेड़ है, हेलीकॉप्टर धो करके अमरूद के पेड़ से टकरा जाता है और हीरो हीरोइन मर जाते हैं। मैडम पर हेलीकॉप्टर में हीरो हीरोइन है ही नहीं है। हीरो हीरोइन मेरे भी हेलीकॉप्टर में नहीं थे, वो जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है ना, अमरूद का, उस पर बैठे हुए। फिर होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म? हीरो ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहाँ पर उसकी तीन तीन माए है, और हीरोइन बन जाती है इच्छाधारी, और उसके बाद 40 शादियां, 27 प्लास्टिक सर्जरी, एक आध डिवोर्स, और फिर देखना ये सीरियल कम से कम 5 साल चलेगी। अरे हिट है, सुपर हिट है। आपके माता आती हैं क्या? नहीं मैडम, हम कह रहे थे कि हमारी जो कहानी थी वो एकदम अलग थी। मुझे कहानी वानी नहीं चाहिए। तूने मेरे सीरियल्स नहीं देखे? सारी की सारी कहानियां एक जैसी होती है, सिर्फ उसकी ओपनिंग चेंज होती है। मुझे मेरी नई ओपनिंग मिल गई है, चल चल निकल, चल गेट आउट गेट आउट गेट आउट। जी मैडम जी।